हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के खाने पीने के संबंधित समस्याओं पर आज बात करेंगे। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डाइटरी टिप्स होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। आज इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाए कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यूजली अगर आपको हार्ट फेलियर है तो अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या पानी का रिस्ट्रिक्शन करने को बोला जाता है। जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर है उतना पानी का रिस्ट्रिक्शन करने बोला जाता है। यदि पंप फंक्शन नॉर्मल है या ठीक लेवल्स पर है तो पानी का रिस्ट्रिक्शन नहीं बोला जाता है। यदि कोई सांस का तकलीफ नहीं है तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हो। सिंपल एंजियोप्लास्टी का पेशेंट है या माइनर हार्ट फेलियर का पेशेंट है या पंप फंक्शन 45-50% है तो वैसे व्यक्ति को कोई फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको ज़्यादा पानी पीना अच्छा है। पर यदि आपका पंप फंक्शन 30% से कम है और खासकर अगर आपको सांस फूल रही है या इस तरह का आपको हार्ट फेलियर है जहाँ पंप फंक्शन थोड़ा ठीक होने के बावजूद भी आपको सांस फूल रही है तो वैसे लोगों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा, रेगुलर ध्यान रखना पड़ेगा और वहाँ पे पानी का रिस्ट्रिक्शन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर आपका है उतना ज़्यादा आपको पानी का रिस्ट्रिक्शन रखा जाएगा। हालांकि ये भी चेंजेबल है, अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा कम किया जाएगा, सिम्टम्स कम है तो पानी नॉर्मल भी ले सकते हैं। कितना ब्लड प्रेशर है, कितना ओवरऑल पानी का स्टेटस है बॉडी में और कैसी दवाएँ चल रही है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपको कितना पानी अलाउ किया जा सकता है। इसके अलावा आपको पानी के साथ नमक का भी रिस्ट्रिक्शन रखना है। शरीर में लगभग नमक जितना जाता है वो पानी को उतना अब्जॉर्ब करता है और उतना बॉडी पानी रिटेन करती है। तो यदि आपको हार्ट फेलियर है और सीवियर हार्ट फेलियर है तो दिन भर में लगभग 2 ग्राम यानी 2000 मिलीग्राम, एक छोटा चम्मच से भी कम, उतना नमक आपको रिस्ट्रिक्ट रखना है। और इसमें खाने पीने में डालने वाला नमक और सारी चीज़ों में जो सब्जियों में डालते हैं, सलाद वगैरह में डालते हैं, एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, ये सारी चीज़ों में आपको नमक का रिस्ट्रिक्शन करना है। यदि आप नमक ज़्यादा लेते हो तो हार्ट फेलियर को मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि वो लगभग वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी होने से होता है। तो आपको नमक का भी रिस्ट्रिक्शन रखना है। इसके अलावा आपको हार्ट हेल्दी फूड्स लेने हैं जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा होंगे यानी फल ज़्यादा होंगे, सब्जियाँ ज़्यादा लेनी है, होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ जिसमें फाइबर कंटेंट या ऊपर का हस्क रहता है नहीं निकाला जाता है वो ज़्यादा लेना है। लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स लेने हैं, वेजिटेबल प्रोटीन जैसे दालें हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी है। हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडो, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। ये चीज़ों में कंपैरेटिवली आपको थोड़ा हेल्दी डाइट मिलेगा और हार्ट के लिए फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है या प्रोसेस फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, हार्ट की कंडीशन को बिगाड़ते हैं। इसके अलावा आपको पोर्शन साइजेस का ध्यान रखना है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, सीमित मात्रा में हर खाने को खाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाने से वेट बढ़ सकता है जो कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। तो खाने को सीमित मात्रा में खाएं, प्रॉपर उसका मात्रा को देख के कैलकुलेट करके फिर खाएं तो अच्छा है। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें आपका पानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है जैसे कि क्यूकुम्बर यानी खीरा है, तरबूज है, ये सब में पानी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा सूप्स है, क्योर्ड मीट्स है, फ्राइड फूड्स है, ये सब चीज़ों में भी ऐसे पदार्थ रहते हैं जो बॉडी में पानी रिटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो चीज़ों में खुद पानी है उस पर भी ध्यान देना है और जो चीज़ों में पानी रिटेन करने की प्रॉपर्टीज़ है उनको भी ध्यान देना है क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपकी बॉडी के फ्लूइड स्टेटस को अफेक्ट कर सकती है जिसको आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम का इंटेक कितना रहेगा उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट में किडनी का भी साथ में प्रॉब्लम होता है तो वैसे केस में केला है, ऑरेंजेस है, पोटैटोज़ है, पालक है, टमाटर है, इस समय पोटाशियम ज़्यादा होता है, इसको अवॉइड करना है। यदि किडनी का फंक्शन अच्छा है तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम पर भी ध्यान देना है, ये नट्स में, सीड्स में, होल ग्रेन्स में और हरी साग सब्जी में ज़्यादा होता है। यदि मैग्नीशियम की कमी है तो इनको ज़्यादा लेना है, नहीं तो अवॉइड करना है। इसके अलावा बॉडी वेट को सही तरह से मेंटेन करिए। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो भी आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ेगा और कम है तो भी नुकसानदायक हार्ट फेलियर में। तो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स आपका लगभग 20 से 22, 23, 24 के बीच में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा और बहुत कम होना दोनों ही नुकसानदायक है। इसके अलावा आपकी मेडिसिंस को रेगुलरली लीजिए और जो भी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए अपने डॉक्टर और फिजिशियन से डिस्कस करते रहिए। जो भी उनके डाइटरी प्रिकॉशंस है आपकी पर्टिकुलर डाइट के हिसाब से उस पर ध्यान दीजिए। बेटर होगा कि एटलीस्ट 1 से 2 बार एटलीस्ट स्पेशलिस्ट डाइटिस्ट को मिल लीजिए क्योंकि डाइटिशियन आपको प्रॉपर बता पाएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप ले रहे हो, वहाँ कौन से खाद्य पदार्थ आप खा सकते हो,
उसके हिसाब से आपको डाइट चार्ट बना के देगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार इंटरनेट पे कोई चीज़ अवेलेबल है या रैंडमली किससे पूछ के चीज़ें खाना चालू तो कर देते हैं, पर क्योंकि वो हमारे टेस्ट को सूट नहीं करता तो हम लंबे समय तक उसे मेंटेन नहीं कर पाते। और हार्ट की डाइट से ज़्यादातर फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इस सब चीज़ों को लंबे समय तक मेंटेन करें। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर डाइटिशियन से मिलकर अच्छी डाइट पर फोकस करना चाहिए, उसे लंबे समय तक मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, अलग अलग तरह के ऑप्शंस पर भी वर्क करना चाहिए ताकि आप अपने आप को एक वैरायटी दे सके, अपने पेशेंट को एक वैरायटी दे सके। एक ही तरह का बोरिंग उबला हुआ खाना आप अगर पेशेंट को खाने पर रोज़ मजबूर करेंगे तो वो नहीं खा पाएगा, परेशान होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट पेशेंट्स या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए डाइट पर क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा डाइट पर ही और हार्ट पेशेंट्स की डाइट पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं, वो हमारे डाइट के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।